ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਕੱਲ ਕੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਰੋਹਨ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਨ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀਡੀਓ 9 ਸਾਲ ਬੜਾ ਹੈ ਉਸਸੇ ਵੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਤੇ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਪੇ जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो कि मैंने क्रे लाइफ रोहित से शादी क्यों की इवन दो वी आर ऑफ डिफरेंट कास्ट। रोहित से जब मैं पहली बार मिली तो सब कुछ नॉर्मल ही था जैसे हमेशा हर किसी के साथ होता है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एक चीज समझ में आई और वो ये वी टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे के ड्रीम्स को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना जानते हैं एंड सबसे अच्छी बात एक दूसरे के साथ लड़ना जानते हैं। लड़ना इन द सेंस जो हम वो प्यार भरी नोकझोंक होती है ना वो पट 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 एक दूसरे को मारना, उसमें जो मजा आता है ना हमें वो अलग लेवल का है जो कि आपको हमारी वीडियोस में दिखता ही है। तो ये शुरू से ही है, ये नहीं कि शादी के बाद से ये हो रहा है, ये शादी से पहले भी ऐसे ही होता था। कभी कहीं मिलते थे बिना मारे तो हमारी बात ही नहीं होती थी। इससे मिलो, ये हमारा नया दोस्त डब्बू। मुझे एनिमल्स से हमेशा से ही प्यार रहा, एनिमल से, बर्ड से, एवरी क्रीचर यू कैन से दैट। और जब ये चीज़ मैंने रोहित में भी देखी तो मतलब ये लगा लो कि मुझे मेरे जैसा ही ना एक और पर्सन मेरे सामने दिखने लगा। तो एक बात बताओ, जब आप दोनों ही एक जैसे हो तो इस वर्ल्ड को अच्छा बनाने में कितना मज़ा आएगा, लोगों को आपको साथ देखने में कितना मज़ा आएगा। और वो चीज़ होने लगी, यूट्यूब पे आए तो लोगों को हमें साथ देखने में मज़ा आने लगा। और इनके लिए भी सबसे अच्छी बात ये थी कि दो प्यार करने वाले हमेशा इनका साथ देते हैं। हम दोनों में एक चीज़ और जो कॉमन थी वो थी ट्रैवलिंग, जो कि अभी भी है। दोनों को घूमने का शौक, सबसे बेस्ट पार्ट। और जब मैं बात करती थी कि मुझे बाइक राइड करनी है, घूमने जाना है, तो हमेशा एक सपोर्ट आता था, हाँ तो तुम भी बाइक ले लेना। तब मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वो मुझे बाइक भी गिफ्ट कर देगा, वो मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट था। पर अभी फिलहाल लॉकडाउन लग गया है तो हम ट्रैवल तो कर नहीं पा रहे हैं, बाइक राइड्स हमारी हो नहीं पा रही हैं। बट हाँ अभी वीकेंड पे एक छोटा मोटा चक्कर मार लेते हैं जो कि दिल को तसल्ली मिल जाती है। बट वी आर होपिंग कि जल्दी से लॉकडाउन खुले, सब कुछ नॉर्मल हो और हम रोड ट्रिप पे जाएं। जब बात शादी तक पहुंच गई, अभी शादी हुई नहीं उससे पहले, तो एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी, हम दोनों डिफरेंट कल्चर के हैं बट हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे पर अपना कल्चर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करी। जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है। जब एक लड़की एक घर से दूसरे घर में जाती है ना तो वैसे ही सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जबकि वो सेम कास्ट में हो तो भी। और यहाँ तो मैं डिफरेंट कास्ट में हूँ, डिफरेंट कल्चर में हूँ, बट मुझे 1% भी ऐसे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ चेंज हुआ है। शादी से पहले भी सब वैसे था, अब भी बिल्कुल वैसे ही। पराठे मैं रोज़ नहीं खा सकती, वो इसलिए नहीं कि कल्चर ऐसा है, वो इसलिए कि मेरा पति ना कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है या मिलती है जो आपके ड्रीम्स में आपका साथ दे, जो आपके प्रॉब्लम्स में आपके साथ हमेशा खड़ा रहे और जो आपको हर टाइम सपोर्ट करे, तो उस बंदे के साथ लाइफ टाइम निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो फैमिली वाले तो मान ही जाते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है। एकदम सही बात बोली इसने, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन थम्स अप। एक प्रॉब्लम भी है, एक प्रॉब्लम भी है, आपकी ना प्राइवेसी खत्म हो जाती है। ओ डंडा मारा तुमने, डंडा मारा है तुमने।